चंदौली में एक सिंदूर फैक्ट्री में ब्लास्ट हुआ है। बताया जा रहा है कि जिसमें 8 मजदूर झुलस गए हैं, सबका इलाज इस वक्त बीएचयू में चल रहा है। बॉयलर फटने की वजह से यह हादसा हुआ। मीडिया कर्मियों को फैक्ट्री में भी जाने से वहां पर रोका गया है। फैक्ट्री मालिक ने मीडिया कर्मियों के साथ में बदसलूकी भी की है। पुलिस के आने के बाद फैक्ट्री में जाने की इजाजत मिली। मुगल सराय कोतवाली इलाके के औद्योगिक क्षेत्र के फेज वन का यह मामला है। महेंद्र पटेल हमारे सहयोगी इस वक्त फुल लाइन के जरिए जुड़ रहे हैं। महेंद्र, यह हादसा कैसे हुआ और घायलों की स्थिति कैसी है? क्या कोई हताहत की खबर? जी जब्बार जी, आपको बता दें कि ये जो घटना है जिसमें सिंदूर फैक्ट्री का जो एयर ट्रायर जो है वो फटा है, जिसमें पास में काम कर रहे 8 जो मजदूर है वो झुलस गए। उनको आनंद फानंद में तुरंत फैक्ट्री और पुलिस की मदद से जो नजदीकी हॉस्पिटल बीएचयू के लिए उसे ट्रामा सेंटर भेज दिया गया, जहां 5 की स्थिति जो है जब्बार जी वो सही हो गई, लेकिन 3 अब भी गंभीर रूप से घायल है। जी अब लेकिन अब इस वक्त काफी वक्त हो चुका है, करीब करीब 1-2 घंटे के आसपास का वक्त हो चुका है मेरे ख्याल से, तो ऐसे में क्या कोई जानकारी आ सकी, यह हादसा हुआ कैसे? क्या कहीं पर कोई लापरवाही, कहीं पर कोई असुरक्षा हुई वहां पर? जी जब्बार जी, बता दूं कि लगातार जो फेस वन की जो फैक्ट्रियां हैं वो अपने कार्य को करती हैं, वो मानव के जो विपरीत कार्य करने की जो आदत उन्होंने बना रखी है, किसी भी प्रकार की उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जाती है। यही वजह है कि वो अपना मनमानी करते रहते हैं, न तो समय पर उनके मशीनों की जो जांच है वो की जाती है, ना ही किसी प्रकार की उनकी चेकअप। तो कह सकते हैं कि ये जो बड़ा हादसा है ये कहीं ना कहीं फैक्ट्री के जो संचालक है उनकी कमी की वजह से ये बड़ा हादसा हो पाया है। और जब मीडिया वहां पर कवरेज के लिए गई सर, उसके साथ मीडिया के साथ भी बदसलूकी किया गया, उन्हें अंदर जाने से रोका गया। पुलिस के आने के बाद मीडिया अंदर जा पाई है, ये सोचनी बात है। जी जी महेंद्र, आप कह रहे हैं कि वहां पर जो सुरक्षा के मापदंड हैं उनको ताक पर रखा गया उस फैक्ट्री के मालिक की तरफ से, और फैक्ट्री के मालिक हादसे के बाद में आते हैं तो मीडिया कर्मियों के साथ बदतमीजी भी करते हैं। क्या अब तक पुलिस ने इस पूरे मामले को संज्ञान में लिया है कि आखिर जो सुरक्षा के मापदंड थे उनको ताक पर क्यों रखा गया? जी लगातार इसकी शिकायतें जिला प्रशासन को जाती रही है कि जो फेस वन की जो फैक्ट्रियां है, ज्यादा तो नहीं लेकिन कुछ ऐसी फैक्ट्रियां है जो लगातार अपनी दबंगई दिखाते रहते हैं, मीडिया अगर कवरेज किए जाती उनके साथ बदसलूकी करते हैं, इसकी सूचना जिला प्रशासन के पास है। यही वजह है कि जब जिला प्रशासन खड़ी होती है, वहां से कोई प्रशासन का नुमाइंदा होता है, तब फैक्ट्री के अंदर जाने दिया जाता है, अन्यथा मीडिया कर्मियों को बाहर रहना पड़ता है और उनकी जो बातें हैं वो सुननी पड़ती हैं। जी चलिए, शुक्रिया इन तमाम जानकारी के लिए महेंद्र पटेल।